हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ अगर आपकी वॉशिंग मशीन में स्पिन ड्रायर में पानी आ जाता है, ठीक है, और वो निकलता नहीं है या फिर पानी इस वाश में पानी धो रहे हैं और स्पिन में आ रहा है, तो दोस्तों उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसकी प्रॉब्लम बाल की होती है। अगर आपका बाल ख़राब है, यानी कि जो ड्रेन बाल ख़राब होता है, अगर वो ख़राब है तो दोस्तों आपका जो वाश में कपड़े धो रहे हैं वो स्पिन की मोटर में यानी कि स्पिन टप में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी स्पिन मोटर भी फूकने का खतरा रहता है। तो दोस्तों इस उसमें आप अपना बाल चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी होता है दोस्तों, हम स्पिन यानी कि कपड़ों को ड्रायर कर रहे हैं और ड्रायर में से हमारा पानी निकल नहीं रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है बहुत पेर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पानी है यहाँ पर ड्रायर में कितना भर चुका है। मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पानी कितना भर चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस पानी को निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पीछे की साइड आ जाना। पीछे की साइड जो ये ड्रेन बाल देख रहे हैं आप, इसको खोलना है इस प्रकार से। इस प्रकार से इस ड्रेन बाल को आपको पूरा खोल लेना है, ठीक है, इस प्रकार। जैसे कि मैं खोलता हूँ यहाँ पर गूंज ये खुल गई है, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत हल्का हल्का, यानी जो स्पिन मोटर है जो स्पिन ड्रायर होता है वहाँ से बहुत स्लो स्लो पानी आ रहा है। तो इसमें कुछ कचरा वगैरह अटक गया, तो उसको आज मैं निकालना बताऊँगा आप लोगों को कि किस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बार मैं आपको मोटर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें जब पानी भर जाता है तो ये हमारी जो मोटर है मोटर के ऊपर पानी आ जाता है। पानी आता क्यों, जो सील होती है हमारी रबड़ की उस सील में अगर खूब सारा पानी भरेंगे या ज़्यादा हैवी पानी भरेंगे, आधा ड्रम भर जाएगा, तो दोस्तों हमारा हल्का हल्का पानी चूने लगेगा और चूने के बाद वो मोटर पर आएगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर फूक जाएगी। तो ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए निकालने के लिए पानी आप लोगों को ये पैनल ऊपर का चारों साइड बोल्ट खोल कर पैनल खोल लेना है, और आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें पानी भर चुका है, ठीक है। उसको निकालने के लिए पेचकश की मदद से जो ये छेद होता है वो छेद पे प्रेस करना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर एक प्रेस कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोगों को प्रेस करना है और सारा पानी आप लोगों का निकल जाएगा। ऐसा होता है यहाँ पर एक बाल लगा हुआ होता है ऊपर की साइड, वो बाल क्या होता है चिपक जाता है बाजी, फिर वो बाल हमारा बॉडी पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो ड्रम में भर जाता है। भरने के बाद दोस्तों हमारी मोटर फूकने का 100% खतरा रहता है। तो इस उसमें अगर आपकी ये है प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये पानी निकाल देना, ठीक है, अन्यथा आपकी मोटर फूक जाएगी। अगर दोस्तों अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकी मोटर फूकने का चांस लगभग 98% रह जाते हैं अगर इसमें पानी है। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को दोबारा इसको बंद कर देना है। हमारा पानी निकल चुका है। बंद करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ये सारे के सारे पेच लगा देने हैं। लगाने के बाद जो भी हमारे ड्रेन बाल है पीछे की साइड, हमारा पैनल लग चुका है। अब इस ड्रेन बाल को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ब्रिक जो है इनको लगाना है, ठीक है। ये मैं यहाँ से ब्रिक निकाल कर यहाँ लगा देता हूँ। इन ब्रिकों को सबसे पहले आप लोगों को लगाना है इस प्रकार से। ये वाली जो सुई है इन ये मेरे छिद्र जो है यहाँ लगा देने हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ड्रेन बाल है, इस ड्रेन बाल को जिस प्रकार से आपने खोला था उसी प्रकार से यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका है और आप पीछे का बैक कवर लगा देना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और क्या